हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों को वीडियो भेजी थी, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को निगेटिव समझाया था, जबकि हमें फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य बनाना, वाक्य बनाना. तो चलिए हम देखते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, सेंटेंस बनाने के लिए हमें ऑरल सेंटेंस के लिए हमें सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितना सेंटेंस को देखना पड़ेगा. तो पहला है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. चाहे हम ट्रांसलेशन बनाएं या हम कोई भी सेंटेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव बनाएं. जैसे कि मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं वाक्य बनाने का या ट्रांसलेशन बनाने का, तो उस दिन मैंने आपसे कही थी जो ये तीन व्यू में होगा. सबसे पहला क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव और तीसरा है इंट्रोगेटिव. पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव. तो पॉजिटिव का मतलब होता है हाँ. मैंने उस दिन आप लोगों से एग्जांपल्स में दिखाया था, जैसे कि पहला क्वेश्चन है ही इज सैड, वह दुखी है. तो इसका वह दुखी है, इसका हम निगेटिव कैसे बनाएंगे बेटा. निगेटिव बनाने के लिए एनर्जी का मतलब निगेटिव. निगेटिव का मतलब होता है नो. मीन्स जब भी हम निगेटिव की बात करेंगे तो हमें उसमें नो या नोट लगा के उसमें हमें निगेटिव बनाएंगे. तो जैसे है ही इज सैड, इसका हम क्या बनाएंगे निगेटिव में, ही इज. और हम नोट जो यूज करेंगे वो हम इज के बाद, इज आर एम, जो हमारा सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हम उसके बाद ही हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे. तो यहाँ पे इज, ही इज नॉट सैड, ठीक है. उसके बाद यदि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हम क्या बनाएंगे, क्या ही इज सैड, वह दुखी है. ही इज नॉट सैड, वह दुखी नहीं है. और यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हम यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हम उसको उसे हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे इज, उसके बाद ही नोट नहीं लगाएंगे हम, ही इज ही सैड. उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो अब आप लोग समझ रहे हैं निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव. तो जैसे कि मैंने आपको एक ट्रांसलेशन दिया बनाने के लिए, राम अच्छा लड़का है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हिंदी में सोचिए, देन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए. राम अच्छा लड़का है, तो राम का क्या होगा, राम इज राम अच्छा लड़का है, राम इज गुड बॉय. ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव. अब हम इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, दूसरा में हम निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नोट का यूज करेंगे. मैंने अभी आपसे कहा है जो निगेटिव बनाने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, नोट का. तो निगेटिव बनाने के लिए राम के बाद है इज के बाद हम क्या लगाएंगे, इज के बाद, इज आर एम, सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा हम उसके बाद ही इज आर एम का यूज करेंगे. तो राम इज नॉट गुड बॉय, राम इज नॉट गुड बॉय. ये हमारा निगेटिव हो गया. अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ. तो चलिए अभी मैंने सेंटेंस को क्या बताया, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा नंबर. तीसरा में क्या है, इंट्रोगेटिव. अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन, जो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा. हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, इज आर एम वेयर वाज
कैन फूड सूड सेल विल सेल सूड वुड, ये जो भी है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो एक दिन हम आप लोगों को वर्ब फिर से रिवाइज करवाएंगे, जो है वर्ब जो है उसमें मेन वर्ब क्या होता है और हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, वो भी मैं आप लोगों को एक दिन रिवाइज करवाऊँगी फिर से। तो पहले आज देखें इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हम इसे कैसे बनाएंगे बेटा, राम इज, सबसे पहले हम इज यूज करेंगे, इज राम गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ इसका मतलब, इज राम गुड बॉय, क्या राम अच्छा लड़का है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना जो क्या वह अच्छा है, क्या क्या राम अच्छा है, तो उसका आंसर यदि हाँ होता है यस राम इज गुड बॉय, या नो इसका कम्प्लीमेंट मिलता है हमें यदि वो अच्छा है तो यस यस ही इज गुड, यदि राम अच्छा लड़का नहीं है तो नो राम इज नॉट गुड बॉय या राम इज नॉट गुड बॉय। तो ये जो नोट है यही हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ, मीन्स उसके बारे में ना, और यस यस का मतलब हो गया हाँ मीन्स पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, क्या वो कैसे हैं, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, क्या वो इंटेलिजेंट है, क्या वो मूर्ख है, क्या वो बहुत ईमानदार है, क्या वो ईमानदार नहीं है, हम जिसमें भी क्या क्या वो ऐसे हैं, क्या क्या तुम्हें भूख लगी है, बहुत सारा सेंटेंस है जिसे कि हम तीनों व्यू में बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग, अब हमारा जो सेंटेंस बनाने के कितने व्यू हैं, तीन, एक है निगेटिव इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स हाँ, निगेटिव का मतलब ना, और इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं और उस क्वेश्चन से हमें जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है यस या नो, यस मीन्स पॉजिटिव, नो मीन्स निगेटिव। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम इसी पे मैं आप लोगों को कुछ दे रही हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पर। जैसे कि है यहाँ पे ट्रांसलेट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको हम ट्रांसलेट कुछ ट्रांसलेशन लिख के मैं दे रही हूँ, इसे आप लोग अपने अपने नोटबुक में कीजिएगा। पहला नंबर है सीता सुंदर है, अब इसे आप लोग निगेटिव में भी बनाएंगे पॉजिटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इस तीनों में आप लोग बनाइएगा। दूसरा है राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, तो इसका हमें पॉजिटिव में भी बनाना है, निगेटिव में भी बनाना है और इंट्रोगेटिव में भी बनाना है। दूसरा नंबर, तीसरा में आप लोगों का हो गया वह लंबा है, इसका पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव। चौथा में है वह मोटा है, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव। आप लोग इसे अपने अपने नोटबुक में कीजिएगा। जैसे सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, निगेटिव में सीता इज नॉट ब्यूटीफुल, क्या सीता सुंदर है, इज सीता ब्यूटीफुल, हमें इस तरह से ये चार आपको करना है। ओके थैंक यू, और इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके थैंक यू।